तो जनाब, अब आप हमारे साथ गैंगटोक आ ही चुके हैं। पिछले ब्लॉग में आपने देखा सिलीगुड़ी से गैंगटोक तक का सफर, पर आज कुछ अलग होने वाला है, वो भी कुछ अलग चस्के के साथ। हवाएं गुनगुनाती है, ये राहें मुस्कुराती है, इन मुस्कुराहटों को आओ अपने घर लाए। खुशियों का ये सफर यूं चलता ही जाए। तो गाइस, अभी हो रहा है सुबह और हम लोग अपने होटल से चेकआउट कर चुके हैं और अभी 10 बजने वाला है। तो यहाँ से लाचेन के लिए चलते हैं और वहाँ पे दो दिन का होम स्टे है, मतलब आज जाते ही होम स्टे लेना होगा शाम को, और फिर कल घूमेंगे, फिर शाम को होम स्टे लेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे। तो गाइस, अभी हम चेकआउट कर चुके हैं और अभी जा रहे हैं टैक्सी के लिए, फिर टैक्सी छोड़ेगा जो भी जाता है गाड़ी लाचूं वहाँ छोड़ेगा, फिर वहाँ से चलते हैं। अभी सब लोग यहाँ पे रेडी हो चुका है और जो आगे भैया जा रहे हैं उन्होंने हम लोगों का ख्याल रखा। अरे जरूरी है क्या? क्या चीज़? आइए रहने दो भाई, क्या हो दिक्कत का? दिक्कत अगर होगा तो यहाँ की वादियाँ देखो। अब तो यहाँ दिक्कत क्या होगा? ए राहुल भाई, और भाई देखो जरूर माना, अगर सोरा भाई के पापा को देखे भाई, अंकल जी नमस्ते, सौरभ बहुत अच्छा सब लोगों के साथ है और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर सौरभ नहीं आता तो इतना मज़ा नहीं आता, सच बता रहा हूँ। वो एक बार बंदा ना फेल भी कर रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती मतलब उसको किया और आया, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। जब भी हम लोग प्लान बनाए प्लीज़ आप उसको आने दीजिएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। पुनीत आया तो कैसा लगा? ए पुनीत आया तो आपको कैसा लगा? गजब बेइज्जती है। हमें रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल मिलते हैं, हम बहुत सारा इंजॉय करते हैं। हम लोग सिक्किम पहली बार आए थे और यहाँ की सुंदरता देख के हमारा मन नहीं भर रहा था। माना कि जिंदगी में गम बहुत है, कभी सफर पर निकलो और देखो खुशियाँ। तो अभी हम यहाँ से ड्राई फ्रूट लेते हैं और चलते हैं आगे का, कंटिन्यू करते हैं जर्नी। यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सा आगे ही रुके हैं, तो यहाँ से अभी हम जाते हैं शॉप में और यहाँ से राहुल भाई और वो लोग अभी पूछने गए हैं कि ड्राई फ्रूट है या नहीं। बाकी देखते हैं क्या लेना है रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही अभी लंबा सफ़र करना है। ऐसा दृश्य मिलेगा कहीं देखने को, अपने तरफ बताओ। और ये ना सच में जन्नत है ब्रो, और इसके लिए बोलता हूँ कि चलो कुछ अपने को भी बना लेते हैं। हम अपने स्टेट को ऐसा बनाना चाहे तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बस सबको साझेदारी हो, सबको साझेदारी देना पड़ेगा। सिर्फ मैं चाहूँगा तो कभी नहीं बन पाएगा। दोस्तों के साथ इतना लंबा सफर करने के बाद लाजमी है कि इंसान को भूख लगी जाएगा। तो हमारा पहला स्टॉप था मंगन, जहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच किया। लाचेन जाते टाइम मंगन से पहले हमें एक और वाटरफॉल देखने को मिलता है, जो कि एकदम कमाल का था। और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं, वीडियो बनाते हैं और बहुत सारा इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मंगन के लिए निकल जाते हैं। बाय 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 बाय। तो गाइज, हमारा थर्ड स्टॉप है यहाँ पे मंगन नगर पंचायत, वेलकम्स यू टू मंगन, यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे देखो तिरंगा, और यहाँ पे होटल है, यहाँ पे अभी लंच वगैरह करेंगे हम लोग। तो यहाँ से लंच करके चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको सभी अपडेट देता रहूँगा। और यहाँ पे देखो वादियाँ, अभी थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है ना वो गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, एकदम हल्का हल्का। चलते हैं होटल में, दिखाता हूँ मैं आपको।
बहुत बस टर्मिनल है ओ भाई। अभी वहाँ पे गाड़ी रिपेयर हो रहा है, तब तक हम लोग यहाँ पे छोटा थोड़ा सा आगे है ट्रैक करने का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे वादियाँ देखो साला, अभी गाड़ी को ख़राब होना था। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है, मैं आपको टाइम दिखा दूँ तो देखो, अभी टाइम हो रहा है 4:30 हो रहा है। देखो कब तक पहुँचते हैं हम लोग वहाँ पर। और यहाँ पर देखो आगे चलते हैं। ओ भाई क्या चीज़ है ये, ताड़ी वगैरह उधर ये किसका मंदिर है भाई? ए हाँ आ जाओ देखते हैं। आओ तो पूरा तुमको चीन रहेगा, तुम छिला रहा है। ये कौन से बाबा हैं भाई? ये भाई हाउ देखो ना चाहिए कर खत्म होते। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हम बोगा मुझे नहीं पता है गाइस। अरे अभी गाइस हम लोग यहाँ पे पता नहीं कहाँ गाड़ी रुक गया है, बिगड़ गया है, उसका ब्रेक फेल हो गया था और वहाँ पे नीचे बन रहा है, दिख भी नहीं रहा होगा। हम लोग इतना ऊपर चढ़ के आए देखो यहाँ पे, और ये मैं कैरी कर रहा हूँ ये सब स्पीकर और फोन। ब्रेक फेल नहीं हुआ है, लोग मतलब डर जाएंगे। ब्रेक फेल कहाँ हुआ था यार? मतलब अरे वो ढीला हो गया था तो कब से 1 घंटा से बन रहा है, तो क्या बोले लोग डर जाएंगे डर जाए। अभी सौरभ भाई के पापा नहीं देखेंगे ब्लॉग? हाँ यार सौरभ भाई के पापा देख रहे हैं तो ब्रेक फेल नहीं हुआ था, बस ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ। और सौरभ भाई नीचे रो रहा है बैठ के, एकदम बादल लड़ गया एकदम। ओ यहाँ से देखो नज़ारा। तो भाई साहब अभी हम चुंग तांग टाउन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे है चुंग तांग फायर स्टेशन और ये एक टाउन है, मतलब एक प्रकार का छोटा सा शहर ही है। और ये देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब जो मेन टाउन होता है मेन राजधानी से इतना दूर होने के बावजूद भी सारा कनेक्शन बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा यहाँ पे विकसित है। देखो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एटीएम कार्ड से लेके एटीएम मशीन से लेके आपको यहाँ पे वाइन शॉप भी, यहाँ पे सब कुछ मतलब यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो वाइन शॉप और यहाँ पे बगल में एक गुरुद्वारा भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा भव्य खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप वो दिख रहा होगा यहाँ पर। देखो तो गाइज अभी हम लाचेन पहुंच चुके हैं और ये है होम स्टे, यहाँ पे हम लोग लिए हैं लाचेन में। तो मैं आपको रूम ले जाके दिखाता हूँ, जो कि हम लोगों ने 3 रूम लिया है, तो मैं आपको रूम ले जाके दिखाता हूँ। और ये रहा पपी यहाँ पे गेट पे ही, तो मैं रूम ले जाके दिखाता हूँ। देखो एक ए रूम है, जस्ट इंटर करते ही एक ए है रूम, मतलब हम 7 जन हैं तो 7 लोगों के लिए 3 रूम मतलब चाहिए ही, एक रूम में सभी लोग नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैं
और एक ए रूम हो गया, और यहाँ पे आप देख लो, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्या है क्या नहीं है, बाकी ठीक ही है, इतना हाइट पे इतना अच्छा रूम मिल रहा है तो। और दूसरा रूम ए है इसका, इसको मैं बाद में दिखाऊँगा, और एक ए है, बाकी देख लो आप। और यहाँ से विंडो आप ओपन करोगे सुबह, तो वैसे सुबह हम लोगों को 4:30-5 बजे तक निकलना है, तो कुछ इसका हम लोग इंजॉय नहीं ले पाएंगे। बाहर आपको बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो घर, वादियाँ देखने को मिलेगा, तो इसको हम बंद करते हैं। बहुत ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, और मैं जो 2 बेड का जो रूम है उसको मैं दिखाता हूँ। ये रहा हमारा तीसरा रूम, ये रहा, और यहाँ पर एक बालकनी भी दिया गया है, मैं खोल के दिखाता हूँ। ओ भाई, मैं बालकनी से बाहर निकलता हूँ, और यहाँ पे एक छतरी भी है, लाइट नहीं है, मैं अभी बाद में दिखाता आपको। देखो ये लंबा चौड़ा बालकनी यहाँ पे दिया गया है। ओ भाई साहब, ये दूसरे का रूम है, तो गाइज अभी हम लोग लाचेन से जाएंगे गुरु दोंगमार लेक, और वहां से हमें गाड़ी ड्रॉप करेगा लाचुंग, और लाचुंग में स्टे रहेगा हमारा एक दिन का। पहाड़ का पानी वो सब झरना है, सब निकल जाएगा ना रास्ता से, इतना थोड़ी आएगा नदी, कोई नहीं है ना, नदी है ना साइड में होगी।